लीजिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से आपने कोई ग्रेजुएशन का जहाँ कोई भी कोर्स किया हुआ है, यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है और अब आप किसी और यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, PUP पटियाला या अदर यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ग्रेजुएशन की है, यहाँ BEd करना चाहते हो, जहाँ MEd करना चाहते हो, BEd यहाँ से की है, MEd यहाँ करना चाहते हो, कुछ भी है, अब यहाँ से आपने दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए माइग्रेट होना है, माइग्रेट, उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई ऑनलाइन जो स्टेप्स हैं कैसे करना है, सबसे पहले आपने जाना है collegeadmissions.gndu.ac.in, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पंजाब, collegeadmissions.gndu.ac.in, यहां पर क्लिक कर देना है और ये पेज खुल जाएगा। यहां पर 13 डिजिट स्टूडेंट आईडी है, आपकी आईडी ऑलरेडी बनी हुई क्योंकि आप वहां पढ़े हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है आईडी, आपने 13 नंबर की आईडी फिल करनी है, पासवर्ड जो भी आपका आपने फिल करना है और स्टूडेंट साइन इन यहां क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहां पर स्टूडेंट डिटेल ऑलरेडी आपकी फिल्ड है, इसके लेफ्ट साइड में ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने देखना है कि आप क्या करना चाहते हो, प्राइवेट, पीयर एडमिशन, अप्लाई फॉर स्पेशल चांस, अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट चांस, कॉलेज वाइज कोर्स एलिजिबिलिटी, कॉलेज क्लास सेक्शन, प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अप्लाई डुप्लीकेट डिग्री DMC, माइग्रेशन इक्वलेंस सर्टिफिकेट एटसेट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पोर्शन के लिए वीडियो बनाई जा रही है, इस पर डिफरेंट वीडियो बन जाएगी, फॉर एग्जांपल इक्वलेंस के लिए डिफरेंट और जो डुप्लीकेट डिग्री DMC के लिए डिफरेंट वीडियो होगी, और यहाँ पर हम सिर्फ माइग्रेशन कैसे करनी है, अप्लाई करना है उसकी बात करेंगे। इसके आगे भी है अप्लाई री इवेल्युएशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ इधर लिखा है सर्विस नेम, यहाँ लिखा है इंस्ट्रक्शन टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रक्शन टू सेंड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। सर्विस नेम जैसे हमने माइग्रेशन के लिए करना है तो यहाँ पर देखेंगे कि माइग्रेशन कहाँ है, काफ़ी नीचे जाके यहाँ पर लिखा है इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन, दो ऑप्शन है, एक इंटर कॉलेज माइग्रेशन है, ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ, इंटर कॉलेज माइग्रेशन नहीं आप कर रहे, हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन जो पहले डायग्राम यहां पर बना के बता के आया हूँ, ये इंटर यूनिवर्सिटी है। इंटर कॉलेज क्या होगा उसके लिए यहाँ पर, फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है और ये बी कॉलेज है, ये सी कॉलेज है, आप इस कॉलेज से इस कॉलेज में शिफ्ट होना चाहते हो, इट मींस ये इंट्रा GNDU विद इन यूनिवर्सिटी हो, लेकिन एक GNDU के कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप इस ऑप्शन पर जाओगे, लेकिन यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन है और ये इंस्ट्रक्शन है, ये बड़ा करके ध्यान से पढ़नी है, इसको स्पेशल बड़ा कर रहे हैं, बाकी के इंस्ट्रक्शन बाद में पढ़ते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आपको पहले चाहिए, इस वीडियो को देख के आप ये डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर सकते हैं। नंबर वन है अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ DMC डिटेल मार्क्स कार्ड ऑफ ऑल सेमिस्टर, इसको अंडरलाइन बार बार कर रहा हूं कि जितने भी सेमिस्टर है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन के 6 सेमिस्टर हैं, 6 सेमिस्टर के स्कैंड DMC और ईयर पास्ट है ना फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ये आपको स्कैन करके रखने हैं जो अपलोड आगे जाके करने पड़ेंगे। दूसरा अटैच आईडी प्रूफ, आधार कार्ड की स्कैंड कॉपी वो अटैच होगी। इन केस ऑफ लॉस्ट ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट एफिडेविट इज रिक्वायर्ड, अगर आपका माइग्रेशन ऑलरेडी गुम चुका है तो आपको एक तहसील से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि मेरा ये जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट गुम हो चुका है। फोर्थ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड विद इन 15 डेज, थ्योरेटिकली 15 डेज है। एक बात यहाँ समझ लीजिए, अगर आपके माइग्रेशन में कोई इंफॉर्मेशन कम है, ऑब्जेक्शन लगता है
तो ये 15 दिन में नहीं कभी आएगा। हाँ, आप जहां पर ईमेल अपना फोन नंबर दोगे तो आपको उस ऑब्जेक्शन की ईमेल जहां जो फोन पर मैसेज आ जाएगा कि आपको ये जमा करवाना है, जहां ये प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन क्लियर कीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट स्टेप होगा। ऐसे में आपके 15 से ज्यादा दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट है, इफ देयर इज एनी करेक्शन इन माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन ब्रांच फॉर करेक्शन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू। अब क्या है, ये 5th point है, अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका है लेकिन उसमें कोई गलती है तो आपको कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ही वहाँ होती है जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, एडम ब्लॉक में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो ना, एंटर करते जहाँ साइकिल स्टैंड वगैरह है तो लेफ्ट हैंड वो एडम ब्लॉक है। फॉर करेक्शन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट, 1 month के बीच बीच आपको ये करना होगा। 6th number ऑप्शन है कि इफ द एप्लीकेशन इज का इनकम्प्लीट, ओके आपने अप्लाई कर दिया है तो वो इनकम्प्लीट है, इन एनी रिस्पेक्ट और देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी, कोई गलती रह गई है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो गई है जो आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। 2, एप्लीकेंट कैन करेक्ट इट और गेट द डिस्क्रिपेंसी रिमूव, वो इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर सकता है, डिस्क्रिपेंसी है तो उसको ठीक कर सकता है, गलती को ठीक कर सकता है। कितने टाइम में, 3 month में, विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जब से आपने एप्लीकेशन अप्लाई की है, बाय विजिटिंग द रजिस्ट्रेशन ब्रांच, यहां पर आपको डायरेक्ट विजिट करना पड़ेगा, विजिटिंग। तीसरी बात, फेलिंग टू विच एप्लीकेंट विल हैव टू अप्लाई अफ्रेश, अगर आप 3 महीने में ये करेक्शन नहीं कर सके तो आपको दोबारा से माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से फीस जमा करवानी पड़ेगी। इसको ऐसे समझते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को अप्लाई किया था, ओके तो ये इनकम्प्लीट था, कोई इंफॉर्मेशन जो आपने नहीं दी थी इनकम्प्लीट था, जहाँ दूसरा क्या था कि कोई एरर थी, गलती थी, है ना, डिस्क्रीपेंसी, तो ये एरर होगी, एरर लिख देते हैं इसको, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है। तो ये यूनिवर्सिटी क्या है कि आपको थ्रू ईमेल मैसेज करेगी और फोन पर भी आपके मैसेज आ सकता है, फोन पर भी, ओके, क्योंकि वो भी रजिस्टर होगा आपका। तो आपने वो ईमेल चेक नहीं की, वो फोन चेक नहीं किया, तो 3 महीने गुजर गए, ये रहा जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, लास्ट मार्च आ गई, लास्ट ऑफ मार्च, जो 3 महीने हो गए, तो आपको दोबारा से माइग्रेशन के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी फीस दोबारा लगेगी। अदरवाइज आपने वो ईमेल और फोन पर मैसेज आता है चेक करते रहना है और चेक कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल 15, 20, 25 दिन हुए हैं, इनकम्प्लीट है, जहां कोई एरर या डिस्क्रिपेंसी है तो आप पर्सनल विजिट करते हो, ऐसे ऐसे चल के, ऐसे 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 चल 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 के वहां पहुंचते हो एडम ब्लॉक, और एडम ब्लॉक जाके आप फिजिकली पहुंच के वहां एरर को करेक्ट करवाते हो, तो फिर प्रोसीड करेगा, ये बात वो बताना चाहते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि 5th number जो ऑप्शन है वो करेक्शन कौन सी है, वो ये है कि अगर यूनिवर्सिटी ने मान लीजिए जनवरी 1 को अप्लाई किया था, यहां आपका बन के आ गया इस डेट को, मान लीजिए 15 जनवरी को आपका बन के आ गया, 15 जनवरी को बाद आप जब आया तो देखा कि यूनिवर्सिटी ने एरर की है, यहां एरर हमने की थी, तो यूनिवर्सिटी की एरर है, आप उसको करेक्ट करवाना चाहते हो, तो वो विद इन 1 month आप जाके ठीक करवा सकते हो। ये 5th वाली ऑप्शन है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन ब्रांच फॉर करेक्शन विद इन 1 month, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। 7th है, इन केस ऑफ स्टूडेंट लॉस हिज और हर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही शी कैन गेट ए फ्रेश माइग्रेशन इशूड बाय, अगर लॉस हो जाता है, लॉस के भी 2 उन्होंने जो है ऑप्शन दिए हुए हैं एक तो लॉस होता है, 1 number यहां पर, दूसरा नंबर यहां, मतलब 2 केसेस हैं, एक क्या
कि आपसे गुम हुआ है, ये पर्सन लिख दिया मैंने सेल्फ, है ना, तो होगी एफ आई आर दर्ज होगी। अगर जहां पर आप माइग्रेट होना चाहते थे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया उस कॉलेज से, उस इंस्टीट्यूट से गुम हुआ है तो इन, और उन्होंने एडमिशन उसके बेस पर अभी नहीं की, तो उनसे जो है रिटर्न आपको लिखवाना पड़ेगा कि हमने अभी तक ये वर्डिंग दी हुई है। ये तो हो गया कि अगर आप, हाँ, आपसे गुम हुआ है तो आप क्या सबमिट करोगे, कॉपी आपने सबमिट करानी है एफआईआर लॉज की विद द पुलिस स्टेशन इन द रिगार्ड, है ना। अगर सबमिटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर विच द लॉस्ट माइग्रेशन वाज इंटेंडेड टू बी सबमिटिंग बाय द एप्लीकेंट, जहां पर उन्होंने जमा करवाया था, टू द इफेक्ट दैट द सेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैज नॉट यूज दैट माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द एडमिशन टू इट्स एनी कोर्स, ये आपको लिखवाना पड़ेगा, ये वाली लास्ट वाली। सेवंथ इंस्ट्रक्शन क्या है, इन केस ऑफ स्टूडेंट लॉस हिज और हर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही शी कैन गेट ए फ्रेश माइग्रेशन, अगर गुम जाता है तो मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, दो कंडीशंस है, फर्स्ट आपको एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन इन दिस रिगार्ड, और ये सबमिट करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन फॉर विच द लॉस्ट माइग्रेशन वाज इंटेंडेड टू बी सबमिटेड, जहां आपने जमा करवाना था बाय द एप्लीकेंट, है ना, टू द इफेक्ट दैट, क्या लिखना है उसमें, सेड दैट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट हैज नॉट यूज्ड दैट माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू इट्स एनी कोर्स, के जहां पर आपने देना था ये ना हो कि वहां पर आपने यूज कर लिया है, आपके किसी कोर्स में एडमिशन हो गई है, फिर आप कह रहे हो कि गुम हो गया है, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इंस्टीट्यूट जहां पर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे उससे लिखवा के देना पड़ेगा, आपकी उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बेस पर कहीं किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं हुई। अब ये हमने इंस्ट्रक्शन जो है करना क्या क्या है वो सब कुछ पढ़ लिया है, अब इस पेज के लास्ट में जाएंगे, इक्वलेंस सर्टिफिकेट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना। तो यहाँ पर फीस वंस पेड इज नॉट रिफंडेड, जिंदगी का रूल है, कोई आपसे पैसे ले ले ना तो रिफंडेबल नहीं होते। कोई भी ले ले रिफंडेबल नहीं होते। पैसे और बुक ना शायद ही कोई वापस करता हो। चलो तो ये क्लिक करना है, इसका मतलब क्या है, आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड फीस वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल, एक बार फीस जमा करवा दी वापस नहीं मिलेगी, ये बात को समझ लो। और यहां पर अगर आपने वो इंस्ट्रक्शन जो हम पढ़ाए हैं आपको समझ आ गई है तो आप एग्रीड एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद क्या होगा। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट आईडी पासवर्ड क्यों फिर आ गया है, क्योंकि अगर आप टाइम ज्यादा, वहां तो हमने इंस्ट्रक्शन पढ़नी थी समझनी थी टाइम लग गया, तो ये टाइम अगर ज्यादा लगा देते हो तो लॉग आउट हो सकता है, फिर को आपको फिर से आपको साइन इन करना पड़ेगा, या आईडी फिल करोगे पासवर्ड फिल करोगे और स्टूडेंट साइन इन को क्लिक कर दोगे। फॉर एडमिटेड स्टूडेंट एबीसी आईडी इज कंपलसरी, मेक श्योर एबीसी आईडी, एबीसी आईडी क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एकेडमिक बैंक क्रेडिट वाला ना जो सिस्टम स्टार्ट किया है उस पर आपकी आईडी होनी चाहिए, वहां आप रजिस्टर्ड चाहिए, उसके बिना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आप कोई भी ऑनलाइन प्रोसीजर अपना पूरा नहीं कर सकते। मेक श्योर दैट एबीसी आईडी एंड आधार इज करेक्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मे बी लाइबल टू पेनल्टी, यू कैन अपडेट एबीसी आईडी एंड आधार नंबर ऑन दिस पेज, ओके, क्योंकि ये लॉग आउट हो चुका था, दोबारा साइन इन किया है तो इंस्ट्रक्शन दोबारा डिस्प्ले हुई है, यहां पर मैंने दोबारा क्लिक किया एग्रीड एंड प्रोसीड किया और ये मेरा पेज स्टूडेंट डिटेल वाला खुल गया। यहां पर आपने टोटल डिटेल फिल करनी है, कई स्टूडेंट की ऑलरेडी पिछले सेमिस्टर की डिटेल्ड फिल है, अगर फिल है तो इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू फिल। यहां पर क्या है, सिलेक्ट ई सर्विस यू वांट टू अप्लाई फॉर, क्लिक ऑन प्रोसीड, यहां पर एरो पर क्लिक करना है, ऑप्शन आएंगी, क्योंकि हम डुप्लीकेट डिग्री नहीं अप्लाई कर रहे, इक्वलेंस सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई कर रहे, इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन है, इंटर कॉलेज माइग्रेशन नहीं है, तो इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन को यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड को क्लिक करेंगे। यहां पर ये ओपन हो गया कि ऑलरेडी आपकी जो डिटेल है वो क्या डिटेल है,
अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, ईयर है, मंथ है, क्लास नेम है, रोल नंबर, रिजल्ट, मार्क्स ऑब्टेंड है, टोटल मार्क्स है, मोड ऑफ कोर्स है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, सेलेक्ट सर्विसेज। अगर आपका लास्ट एग्जाम जो हुआ है वो उसके डीएमसी यहां अपलोड नहीं है तो आपको एड क्लास नॉट शोन इन द लिस्ट, लिस्ट है आपने देखना है कि पिछले ग्रेजुएशन के लास्ट सेम के, दो सेम के अगर अपलोड नहीं है तो यहां पर आपने एड को क्लिक करना है। एड को क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आ जाएगी कि आपने वही डिटेल लास्ट सेम की जो मिस है, अगर दो सेम की है तो वो मिस है वो फिल करनी है। ठीक, तो यहां पर सेशन फिल कर दिया, ईयर फिल कर दिया, मंथ फिल कर दिया, यहां से है, ये मेरे ख्याल में कोई बताने की बात नहीं है, है ना। तो इसका एग्जाम्पल आपने ऊपर फिल किए हैं, आपको पता होगा, क्लास नेम फिल कर दिया, रोल नंबर फिल कर दिया, रिजल्ट फिल कर दिया, मार्क्स ऑब्टेंड और ग्रेड, सीजीपीए वट एवर इज ओ डीएमसी पर जो लिखा है, टोटल मार्क्स और ग्रेड, टोटल मार्क्स कितने हैं, है ना, सेलेक्ट द मोड, आपने रेगुलर किया है ओपन स्कूल से, प्राइवेट से, कॉरेस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस से, ओपन, जैसे भी आपने वो लास्ट कोर्स जो किया है उसको फिल कर देना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कौन सी है उसको फिल कर देना है यहाँ पर, उसके बाद सेलेक्ट सर्विस, इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन, ये हम कर रहे हैं कि माइग्रेशन लेना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एड क्लास ये लिखा है, अगर आप दूसरी क्लास फिल करना चाहते हो, आपका मिस है तो आप फिर एड क्लास पर जाके फिल कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, एंटर यूनिवर्सिटी नेम फॉर विच माइग्रेशन इज अप्लाइंग, फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर लिख दूंगा, पूरा लिखना है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, करंट पोस्टल एड्रेस, जहां पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय पोस्ट रिसीव करना है उसको यहां पर फिल करना है। ओके, यहां आप टाइप कर दोगे उसको, कंट्री ऑफ पोस्टल एड्रेस, सेलेक्ट कंट्री, नेचुरली आप इंडिया है, इंडिया को सेलेक्ट कर लोगे। ये हो गया सबमिट एंड प्रीव्यू, आप व्यू देख सकते हो कि कोई इंफॉर्मेशन मेरी मिस तो नहीं है। ये पूरा फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट एंड प्रीव्यू को क्लिक करेंगे और यह हम पर रेड एरर आ गई, प्लीज सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मोड ऑफ डिग्री, अगर ये ऐसे प्रोसीड नहीं होगा, रेड रेड देख लो जहाँ खतरा खतरा लग रहा है तो वहाँ इंस्ट्रक्शन होगी कि क्या मिस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला मोड ऑफ डिग्री, मोड ऑफ कोर्स है ना, ये मिस किया है, मैंने यहाँ फिल कर दिया रेगुलर, मैंने यहाँ फिल कर दिया रेगुलर। गलतियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, मतलब गलती को रिपीट ना करने वाला कहते हैं इंसान है, गलती होती है तो उस पर सोचते हो, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्ट करना, है ना, तो फिर आप इंसानियत की तरफ, जो असली एम है उसकी तरफ बढ़ रहे हो। जैसे ये गलती की मैंने, है ना, अब मुझे पता चल गया ये मेरी इस गलती से आपने सीख लिया। आप भी कुछ गलत करते हो, गलती को ऐसे बुरा नहीं बन जाना, अपने आप को ऐसा नहीं कहना कि नहीं, गिल्टी गिल्टी से लाइफ नहीं जीनी है, शांत होकर लाइफ जीनी है, मौज से लाइफ जीनी है, प्यार से लाइफ जीनी है, पॉजिटिविटी से लाइफ जीनी है। ये हो गया ना, इसके बाद ये मैंने फिर किया यहाँ पर सबमिट एंड प्रीव्यू, अब ये क्लिक कर दिया और ये सारा डिस्प्ले हो गया जो आपके डिटेल मार्क्स कार्ड हैं। यहाँ पर लास्ट पे जाके आपकी फीस की डिटेल आ जाएगी, है ना, अब थोड़ा थोड़ा इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन 1400 रुपए, यहाँ पर स्टेट का जीएसटी 126 रुपए, सेंटर का 126, और ये टोटल फीस 1652 हो गई, और पोस्टल चार्जेस विद इन कंट्री 200 रुपए, 18 रुपए स्टेट को भी देना है, उनको भी चढ़ावा चढ़ाना है, तो 236 रुपए बन गया टोटल फीस, 1600, 144, 144, 188, है ना, 1888 रुपए, ये टोटल बन गए। इतने आपने पे करने हैं, पहले इसको देख लेना है, अगर धक धक करे तो उसको रोक लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑल इज वेल करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आगे वो सारी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलिड यूपीआई, ईएमआई, है ना, नॉर्मली हम यूपीआई यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर आप गूगल पे करते हो, जो भी आपको ईजी लगता है, आप मोड रेगुलर यूज कर रहे हो, कंफर्टेबल हो, उसको क्लिक किया। यहाँ पर एंटर योर यूपीआई, ये आपका पर्सनल होगा, यहां मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, आपकी पर्सनल यूपीआई आएगी, और टोटल अमाउंट पेएबल यहां आ गई है, तो ये मैसेज भी इतने का ही आपको आएगा कि आपके बैंक से, आपकी जिंदगी से 1888 रुपए जा रहे हैं, तो आपको बड़े कौड़ा घुट पर के उसको क्लिक करना पड़ेगा यस, और
पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद वो कभी वापस नहीं आएगी। तो जो मैसेज आएगा माइग्रेशन का, वो देखते रहना, तभी माइग्रेशन मिलेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाए तब सोचना कि यहाँ जो माइग्रेट हो चुके हैं इस धरती पर, माइग्रेट होने के बाद कहाँ जाना है। उसकी भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो, थोड़ी थोड़ी करते रहो, बाद में तकलीफ नहीं होगी, जाना तो है ही।